कुकन कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, बड़े ही ज़बरदस्त चाइनीज़ राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बने हैं, तो टेस्टी बने हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को आपने फुली वॉच करना है और वीडियो को लाइक लाजमन कर देना है। तो चलो चलती हैं अपनी रेसिपी की तरफ और उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रहीम, तो देखिए चाइनीज़ राइस बनाने के लिए मैंने 1 लीटर जो है वो पानी ले लिया है, और उस जैसे वो पानी पकना शुरू हो गया तो इसमें मैं 1 पाव तकरीबन मेरे पास हड्डी के साथ जो है चिकन है, तो इसको शामिल कर दूंगी। इसको मैंने धो के फ्रीज़ कर लिया था, तो इसको शामिल करना है। और इसमें क्या चीज़ मैंने ऐड करनी है, जिसको मैंने पहले से गलाना है, तो पहले इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी, फिर इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है। तो प्लीज़ आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और वीडियो को लाइक लाजमन कर देना है। ये देखिए चिकन को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें मैं मटर जो है वो शामिल कर दूँगी। मटर जो है वो 1/2 पाव है, तो बटर को बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शामिल कर दूंगी। तो अब इसको भी अच्छे तरीके से हमने सॉफ्ट कर लेना है, बस इसको गलाना ही है जस्ट। ज़्यादा आपने नहीं गलाना, ज़्यादा कुक नहीं करना। चिकन के हमने रेशे निकालने हैं और मटर को थोड़ा सा गलाना है। देखिए जैसे चिकन हमारा और बटर जो है गल गए हैं, तो उनको मैंने निकाल के साइड पर रख लिया, जहाँ मैंने पानी बॉयल करना रख दिया है। तो इसमें अब मैं चावल डाल दूँगी, जो कि मैंने कच्ची बासमती के लिए हैं, 1.5 पाव मैंने दिए हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इनको शामिल कर देंगे। चावलों को मैंने शामिल कर दिया इसमें। तो अब इसमें मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है, अब इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना चुटकी भर जो है नमक में शामिल कर दूंगी। नमक ज़्यादा मैं इसमें नहीं शामिल करूंगी, क्योंकि जो हमारे दूसरे वेजिटेबल के मसाले हैं उसमें भी नमक ऐड होगा। तो प्लीज़ एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो जैसे ही चावल बॉयल होते हैं इनको मैं निथार लूँगी, तो फिर मैंने क्या ऐड करना है, फिर अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो प्लीज़ आपने फुल वॉच करना है रेसिपी को। हमारे जो है वो बॉयल हो रहे हैं, तो बिना टाइम ज़ाय किए बगैर मैंने एक तवा ले लिया, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल कर लिया है। और इसमें अब मैं क्या ऐड करूँगी, इसमें मैंने 2 अंडे जो है वो फेंट लिए हैं, तो इनको मैं शामिल कर लूँगी। तो इनमें कुछ भी मैंने शामिल नहीं किया, इसमें मैंने काली मिर्च नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हमने दूसरी चीज़ों में शामिल करना है, तो इस वजह से मैंने इसमें कुछ नहीं ऐड किया। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी करना है, तो मैं इसमें इतना स्पाइसी जो है वो नहीं शामिल करी। तो मैंने अच्छे तरीके से जो है चला लिया है, तो अब इसकी दूसरी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। तो दूसरी साइड भी इस तरह में इसकी कुक कर लूँगी अच्छी तरीके से। हमारा कुक हो चुका है, तो अब इसे प्लेट में मैं ऐड कर लूँगी। हमारे बॉयल हो चुके हैं, उनको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। एक तिली में मैंने जो है कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल कर लिया है 1 चम्मच, और इसमें मैं 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर लूँगी। तो लहसुन जो है वो फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें मैं जो है गाजरें मैंने थोड़ी सी ले ली हैं, और साथ में मैंने इसमें कैबेज ले लिया, 1/2 कप मैंने लिया है इन चीज़ों का। और साथ इसमें मैंने 1 टमाटर ले लिया है, और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें जो है कट करके ले ली, और थोड़ी सी शिमला मिर्च ले ली है, और ये सब चीज़ें मैंने ले ली हैं। तो शिमला कर लेंगी, तो ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं। तो अब इसको अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें ऐड होना है। तो प्लीज़ रेसिपी के साथ आप जुड़े रहिए। और ये फ्राई हो चुकी हैं, तो अब इसमें मैंने जो चिकन जो है ना बॉईल करके रखा था श्रेड कर लिया है, और साथ में मैंने मटर भी श्रेड कर लिया। इसमें मैंने थोड़ी सी नमक और काली मिर्च जो है वो ऐड की थी, तो इसको शामिल कर लूँगी। तो ये क्वान्टिटी मैंने बिल्कुल थोड़ी ली है, 1.5 पाव चावल है, उसके हिसाब से मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो है वो ऐड की हैं। तो चलिए अब इसमें मैंने क्या ऐड करना है, अब इसमें मैं 1 चम्मच मैंने जो है काली मिर्च पाउडर ले लिया, और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ले लिया है। इन चीज़ों को शामिल कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब इसको भी अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लेते हैं, हिला लेते हैं। जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। तो अब इसमें मेरे पास गार्लिक चिली सॉस का एक साचा है, तो इसको शामिल कर लूँगी। आप चाहे तो सिर्फ जो चिली सॉस होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। तो ये 1 पैकेट जो है वो मैंने शामिल कर लिया है, तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, अब मेरे पास है सिरका विनेगर जो है, सफ़ेद विनेगर है, तो इसका मैं जो है 1.5 चम्मच जो है वो शामिल कर लूँगी। इसका 1.5 चम्मच जो है मैंने इसे शामिल कर लिया है। आप चम्मच में डाल के बेशक शामिल कीजिए, मुझे तो अंदाज़ा उससे डालती हूँ। तो अब मेरे पास सोया सॉस है, तो इसका भी मैं 1.5 चम्मच जो है वो शामिल कर लूँगी। तो 1.5 चम्मच इसका भी मैंने शामिल कर लिया है, तो अब जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने बंद कर दिया, ये कुक हो चुका है। तो अब इसमें मैं अंडा जो मैंने फ्राई करके रखा है छोटे, उसके टुकड़े कर लिए हैं, उसको भी शामिल कर लूँगी। तो अंडे को मैंने शामिल कर लिया है, अब इसमें मैं चावल जो है बॉयल करके मैंने रखे हुए हैं, इसको शामिल कर लूँगी। मैंने फुल डन किए हुए हैं चावल, मैंने शाम कर लिए हैं। तो अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, तो बस राइस जो है वो हमारे डन है। चाइनीज़ राइस जो है वो माशाल्लाह से हमारा डन है, अच्छी तरीके से मैंने इनको मिक्स कर लिया है। तो अब इसको अपनी प्लेट में डालकर डिश आउट कर लेंगे। बड़े ही ज़बरदस्त हमारे चाइनीज़ राइस जो है बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी बनाएं, अपनी फैमिली अपने बच्चों को बनाकर दें। तो चलिए, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी चाइनीज़ राइस की पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर भी करें। मुझे तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।